The 10 statements are shown on the left. On the left in the table, each of the statements are either true or false. Tick karna hai for each statement. Take the appropriate column to indicate. Abdullah diya wala nahi, dusra. Baith jao bachche aap aake. Ahad Bilal kidhar hai? Where is Ahad Bilal? Upar hai? ये आहत बिलाल को पीछे खड़ा कर दें जी। बच्चा बात सुनो, आपको मैंने मना किया था ऊपर जाने से। बैठ जाओ सारे बच्चे, जल्दी करें प्लीज, जल्दी करें। सेटल डाउन। Packets have a header which contains IP address of sender and the receiver. True or false? Bataye? True. Packets don't require any form of error checking. USB use a protocol that allows for error-free data transmission between device and computer. True. ये error-free data transmission provide कर रहा होता है. Serial data transmission होती है इसमें. Serial data transmission suffers from data skewing. बताएं, फॉल्स। सीरियल में डेटा स्क्यूइंग नहीं होती। द लॉन्गेस्ट केबल लेंथ सपोर्टेड बाय यूएसबी इज 5 मीटर्स और लेस। ट्रू। सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन अकर्स व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड 1 बिट एट अ टाइम। सिंप्लेक्स में क्या होता है, डायरेक्शन एक होती है, इसमें 1 बिट का तो चक्कर ही नहीं है, वो तो सीरियल में होता है। ठीक है। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व सेंडिंग 8 बिट्स ऑफ डेटा एट अ टाइम। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, डायरेक्शन होती है सिर्फ, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। 8 बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर 8 डिफरेंट चैनल्स एट वन टाइम। किसके लिए है ये लफ्ज, किसके लिए है, पैरेलल के लिए है। ये लफ्ज किसके लिए है, पैरेलल के लिए। बच्चों, यूएसबी यूजेस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। यूएसबी यूजेस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। कौन सा है ये, ट्रू है ये। पैकेट स्विचिंग ट्रेवल्स प्रिवेंट्स लॉस ऑफ एनी डेटा पैकेट्स। पैकेट स्विचिंग प्रिवेंट्स लॉस ऑफ एनी डेटा पैकेट्स। ये ट्रू है या फॉल्स है? पैकेट स्विचिंग में तो लॉस ऑफ डेटा पैकेट्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैकेट्स मे अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन आउट ऑफ ऑर्डर और मे बी फ्रॉम डिफरेंट रूट्स। मे बी फ्रॉम डिफरेंट रूट्स। तो डिफरेंट रूट से जाने के बाद कुछ पैकेट्स बीच में से लॉस भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हॉपिंग फिनोमेना। You know what is hopping? Hopping is the number that is given to each packet so that before reaching to the router, it checks that particular number. If that number is 0, the packet will be discarded. And every next time a packet reaches to the router, router will decrease the hop number. It will decrease the, yeah, decrement the hop number by 1. Theek hai? It will decrement the hop number by 1. Every time a packet reaches to the router, its hop number is decremented by 1. The router checks the hop number. If it is equals to 0, then the packet will be discarded. जिसके लिए मैंने वैसे एक slang अल्फाज में दीवाना पैकेट का नाम दिया था, जिसको रास्ते का नहीं पता होता, ठीक है, आगे पीछे हो जाता, घूमना फिरना शुरू कर देता है एक नेटवर्क के अंदर, which is only increasing the data traffic of the network, या नेटवर्क को क्लॉग कर रहा होता है, clogging the network, उसके मतलब ये नुकसानदेह होता है हमारे नेटवर्क के, मतलब एक कह लें कि खामखा की ट्रैफिक बना रहा है, ठीक है, रश बनाई हुई होती है उसने। यूएसबी कनेक्शंस कैन ट्रांसफर डेटा यूजिंग हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ट्रू। ये हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है और ये फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। एन 8 बिट रजिस्टर यूजेस 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। व्हाट इज द डेनरी वैल्यू फॉर दिस नंबर, 1, 4, 8, 32, 40, 44, 45. What is this? It is plus 45, yani positive 45. ठीक है? It is plus 45. Convert the following into GIB, GB bytes.
जगदीश तबियत ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू गिबी बाइट्स। अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये थोड़ा सा बगैर उसके मतलब पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया, कहता है इसको कन्वर्ट करना है गिबी बाइट्स में, तो इट्स अ वेरी बिग नंबर, जस्ट नीड्स कैलकुलेशन। नंबर बोले 59055800032 0 क्या है ये बाइट्स है, ये थोड़ा गलती हो गई है, बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, देना नहीं चाहिए था ठीक है। अब बाइट्स को हमने गिबी बाइट्स में कन्वर्ट करना होगा तो कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 1024 into 1024 into 1024, तीन दफा मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना पड़ेगा 1024 के साथ। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं, कर तो लेंगे लेकिन आंसर बड़ा लंबा हो जाएगा ये एक मार्क के लिए ठीक है। आपने किया है कैलकुलेटर से, खुद से किया है, लंबी डिवीजन की है। अब लॉन्ग डिवीजन आप इसी तरह 2 से करना शुरू कर दें या 4 से करना शुरू करें तो ये बड़ा ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आंसर इसका मुझे पता है आ जाएगा ठीक है। किस किस ने कर लिया ये, कितना आंसर आया है 55 ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 55 गिबी बाइट्स। अच्छा एक चीज याद रखें, कुछ पास्ट पेपर्स के अंदर जो पुराने पास्ट पेपर्स हैं उसके अंदर ये गिबी किबी ये बाइनरी प्रीफिक्सेस नहीं थे हुआ करते, उसमें सिर्फ आपके डेनरी प्रीफिक्स होते थे, मतलब वो हमेशा 1000 से ही डिवाइड करते थे किलो को समझने के लिए किबी को समझने के लिए। लेकिन अब जो है ना आपने इस फर्क को पहचानना है, गिबीज किबीज मीबीज इसमें हमेशा 1024 का यूनिट आपने कंसीडर करना है, लेकिन अगर किलो बोले मेगा बोले गीगा बोले तो उसके अंदर आपने 1000 का ही लफ्ज इस्तेमाल करना है ठीक है, ये बात क्या नहीं। इसी तरह से उसने नीचे लिखा हुआ है 2 power x इज इक्वल टू 104 सॉरी ऊंचा बोले नहीं, वो मुझसे गलती होगी, मतलब इतना सवाल ये टेक्निकली बगैर कैलकुलेटर के मैंने दे दिया है, ये जस्ट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, अदरवाइज ये कर सकते हैं बच्चों ने किया है ये, आप 2 से डिवाइड करें, मैं खुद इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा भी टाइम ही लग जाएगा, 2 से डिवाइड आप ऊपर नीचे करते ना कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होता जाएगा ये, मतलब दिए हुए तो आ सकते हैं, डिवाइड करें सिंपल सी बात है, क्या करना है आपने, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना आसान है, टाइम ज्यादा लगा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आज ये वर्कशीट खत्म ही कर दूँ सारी के सारी। अच्छा इसी तरह से 2 power x इज इक्वल टू 1048576 बाइट्स। अब आपने ये जो सा नंबर है इसको लिखना है 2 की पावर में, लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ है किस तरह से 2 की पावर में, राइट साइड पर भी नंबर लिखा होना चाहिए किस तरह से 2 की पावर में, दोनों तरफ 2 की पावर में लिखा होना चाहिए, समझ आ रही है कि नहीं। ये कंप्यूटर साइंस नहीं, इसमें थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व है, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। अब इसको जब आप डिवाइड करते हैं किसके साथ 2 के साथ, किसके साथ डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो आता है 2 की पावर 20। व्हेन यू कीप डिवाइडिंग दिस नंबर विद 2, इसको जब हम लिखते हैं 2 की पावर में तो इट बिकम्स 2 power 20 बाइट्स अपनी जगह पे और 2 power x अपनी जगह पे। सवाल है x की वैल्यू बताएं, इधर भी 2 की पावर और इधर भी 2 की पावर, दोनों तरफ क्या है 2 की पावर समथिंग, यहां के 2 की पावर x है, राइट साइड पे 2 की पावर कितनी है 20 है। इस तरह की इक्वेशन को अभी तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, मैथमेटिक्स की दुनिया में ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या कहा जाता है, गर्ल्स एंड बॉयज, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ये हम पढ़ेंगे लेकिन आफ्टर 1 month, 1 या 1.5 month लग जाएगा इधर तक पहुंचने में। मैथ में मुश्किल सवाल आते हैं इसके, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जिसमें 2 की पावर कन्वर्ट की आपने उसको सॉल्व कर दिया। मैथ्स में थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं इसके ठीक है, जहां पे मुझे लगता है 1.5 month तक हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, 1 या 1.5 month तक ठीक है। अलजबरा भी खत्म हो जाएगा जब हमारा बिल्कुल एंडिंग पहुंचेंगे ना अलजबरा की, तो सबसे आखिरी अलजबरा का कॉन्सेप्ट हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस करेंगे। सो इसका आंसर आएगा, अब चूंकि ये इक्वालिटी है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होती है इक्वालिटी में, इक्वल होती है, लेफ्ट साइड पर 2 की पावर x लिखा हुआ है और राइट पर 2 की पावर 20 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि x किसके बराबर है,
20 के बराबर. सो इसका आंसर है x इक्वल्स टू 20. ये 3f को आप कन्वर्ट कर लेना डेनरी में, बाइनरी एडिशन कर लेंगे. किस किस को नहीं आएगी बाइनरी एडिशन? हो जाएगी सारों से. हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द डेनरी 40, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. फाइंड द पैरिटी बिट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइट्स, पैरिटी बिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइट्स. ठीक है, अब पैरिटी बिट के लिए उसने लेफ्ट साइड पे जगह छोड़ी हुई है. इवन पैरिटी इस्तेमाल करेंगे तो नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए? इवन होने चाहिए. तो इसका आंसर क्या आएगा, कितने वंस आएंगे ऊपर? आखिरी वाला भी क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए. तो पैरिटी बिट क्या लगेगी उसकी? वन लगेगी. बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? पैरिटी बिट क्या लगेगी? वन लगेगी. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ये वाला पूरा हो जाएगा कि नहीं होगा? सब से हो जाएगा. इवन पैरिटी में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वंस इन द ग्रुप शुड बी इवन, और ऑड पैरिटी में टोटल नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड. अब इसी तरह से एक होती है वन डायमेंशनल पैरिटी. ये सारे क्वेश्चंस कैसे हैं? हर रो में पैरिटी तब्दील हो रही है. तो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं. सारे क्या हैं? डिफरेंट पार्ट्स हैं. समझ लो मेरी बात के नहीं. अब एज अ होल, एज अ होल, अब कभी भी किसी सवाल में आपने टू डायमेंशन पैरिटी निकालनी हो, डबल डायमेंशन की पैरिटी निकालनी हो, तो आप रो वाइज भी पैरिटी निकालते हैं और कॉलम वाइज भी पैरिटी निकालते हैं. मेरी बात समझिएगा सारे बच्चे. आप रो वाइज भी पैरिटी निकालते हैं, लास्ट रो वाइज भी पैरिटी निकालते हैं और कॉलम वाइज भी पैरिटी निकालते हैं. क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? सो तो यहां पे इसने फिलहाल तो सिर्फ रो वाइज ही निकाली हुई है और नीचे कह रहा है कि चेक करके सिर्फ बता दें कि क्या ये वाले करेक्ट है या इनकरेक्ट है. ऐसा ही है कि नहीं? Which of the following received the bytes indicate an error has occurred following data transmission? तो नीचे से बता दीजिए कौन कौन सी वाली bytes में error आ रहा है. पहली वाली byte जो transfer की है उसमें error आ रहा है? किस वाली में error आ रहा है? Second वाली में even parity follow की थी लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 second वाली row में क्या है? Error है. Second row में क्यों error है? Because उसमें parity change हो चुकी है. पैरिटी क्या होनी चाहिए थी? इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए थे लेकिन वो ऑड नंबर ऑफ वंस हैं. ठीक है, ये पूरे टेबल में मसला तो नहीं है किसी को? सब बच्चे बता दो. एक में क्या है? किधर है सारे जीरोस? हाँ वो भी इवन ही है, वो भी इवन पैरिटी ही है, वो ठीक है. देखिए इवन इवन नंबर्स कैसे होते हैं? इवन नंबर ऑफ वंस. इवन नंबर बताओ कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4 एंड सो ऑन. सही है, तो 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर. नहीं समझ आती तो यूं भी समझ लो कि इवन नंबर्स का गैप कितने का होता है? दो दो का गैप होता है. तो आप जरा पीछे की तरफ आप जाओ, 10, 8, 6, 4, 2 और फिर -2 एंड देन माइनस. तो 0 नेचुरली कहां पे आ रहा है? इवन नंबर्स की उसमें आ रहा है. ठीक है बच्चों, इवन नंबर और ऑड नंबर में क्या चीज सेम है? गैप सेम होता है. दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में भी गैप 2 का ही होता है और दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर में भी गैप कितने का होता है? 2 का ही होता है. ठीक है बच्चों, इन ईच केस इन क्वेश्चन 1 वेयर एन एरर अकर्ड कैन यू वर्क आउट विच बिट इन द बाइट वॉज चेंज्ड ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन. कौन सी बिट चेंज हुई थी डेटा ट्रांसमिशन के दौरान? कितनी कितनी रोज में मसला आया था? 4 रोज में मसला आया था. इन ईच केस वेयर एन एरर अकर्ड कैन यू वर्क आउट विच बिट इन द बाइट वॉज चेंज्ड ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन. नो, वी कैन नॉट वर्क आउट विच बिट वॉज चेंज्ड बिकॉज ये टू डायमेंशनल पैरिटी नहीं है, ये 1D है. ये सारी कैसी है? 1 डायमेंशनल पैरिटी है. ये समझ रहे बात के नहीं? क्यों नहीं बता सकते? मैंने बता दिया ये 1 डायमेंशनल पैरिटी है, इसमें हमें नहीं पता चल सकता कि कौन सी वाली बिट खराब. 2 डायमेंशनल पैरिटी में पता चलाया जा सकता है बिकॉज आप उसकी पैरिटी हॉरिजॉन्टल भी निकाल रहे होते हैं और वर्टिकल भी निकालते हैं. तो जिस रो में प्रॉब्लम आ रही होती है उसको हाईलाइट कर लेते हैं और जिस कॉलम में प्रॉब्लम आ रही होती है उसको क्या कर लेते हैं? अहद हाईलाइट. अब्दुल्ला अहद, अहद शेख, जहां पे उनका ओवरलैप कर रहा होता है रीजन उस बिट में मसला होता है.
आप जब उस बिट को चेंज करते हैं तो नेचुरली आपका पूरा टेबल रिफाइन हो जाता है, एरर्स क्या हो जाते हैं उसके रिमूव हो जाते हैं। आगे जाते हैं जी सर, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सीरियल हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। ये मैंने कहा था दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, सीरियल हाफ डुप्लेक्स क्या होगा कौन बताएगा? आप बताएं, सीरियल समझ आती है सीरियल क्या है? अब्दुल्ला आपका नाम क्या है? अब्दुल हादी, आपको सीरियल के बारे में पता है सीरियल क्या होती है? सीरियल कौन बताएगा क्या होती है? बॉयज एंड गर्ल्स सीरियल किसको पता है? बच्चों किसी को? मेजोरिटी को नहीं पता? जस्ट टेल मी इफ यू नो व्हाट इज सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। आपको नहीं आता समीर? आप खड़े हो जाएं। आपको आता है कि नहीं आता? नो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। नंगयाल व्हाट इज सीरियल डेटा ट्रांसमिशन? खड़े हो जाओ, देख के नहीं बताना था। बिलाल, when one bit is sent over one channel at one time, एक वक्त में एक चैनल पर एक ही बिट भेजी जा रही होती है। समझ आ रही है कि नहीं? सी ड्रामा सीरियल। क्या कभी आपने एपिसोड नंबर 3 एपिसोड नंबर 1 की जगह देखी है आपने? हमेशा पहले 1 आती है, फिर क्या आती है 2, फिर क्या आती है 3। कभी भी टीवी में वो ऐसे करेगी नहीं कि लास्ट एपिसोड पहले दिखा दे और फर्स्ट एपिसोड बीच में कहीं दिखा दे। अगर ऐसे होगा तो फिर तो ड्रामे का मकसद ही नहीं रहा ना, तो ड्रामा सीरियल बोला जाता है। क्या ख्याल है? ठीक है, चेक्स। व्हाट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक? बच्चे विजनरी आप बताएं। यस, आप बताएं। द वन विद द ग्लासेस अताब के साथ बैठे हुए, योर नेम प्लीज। रायान, आयान, टेल मी आयान, व्हाट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक? स्टैंड अप। हाँ जी हमजा कियानी, वेयर आर यू? खड़े हो जाएं। व्हाट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक? हमजा कियानी, निकम्मे हो सारे यार। जी व्हाट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक? समीर, नंबर ऑफ वंस आर काउंटेड, द काउंट इज कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल्स अटैच्ड विद द डेटा एंड सेंट टुवर्ड्स द रिसीवर। ठीक, इफ द रिसीवर काउंट्स द नंबर ऑफ वंस एंड दे आर डिफरेंट देन द वंस दैट आर रिसीव्ड देन एन एरर हैज बीन अकर्ड। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू डील विद लॉस्ट पैकेट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लोइंग डाउन द ट्रांसमिशन प्रोसेस। डिस्क्राइब हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू डील विद लॉस्ट पैकेट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लोइंग डाउन। अयान, रायान, रोमान, यस, अरमान, हॉप नंबर्स की एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, वजाहत करें। डिस्क्राइब का मतलब है वजाहत करें। Hop number is given to a packet. Every time it reaches a router, it checks the hop number. It, hop number is decremented by 1. And if it reaches 0, the packet is discarded. If the hop number becomes 0, then packet is discarded. बिल्कुल सही है। Explain why you think that packet switching might improve data security. कैसे improve होगी packet switching में data security? कैसे improve हो सकती है? कुछ जवाब आप भी दे दें। सवाल यह है, एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक पैकेट स्विचिंग माइट इंप्रूव डेटा सिक्योरिटी। एनीवन हु हैज एन आईटी माइंड, यू कैन एक्सप्लेन इट। पैकेट स्विचिंग पहले होती क्या है? जस्ट टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नोज व्हाट इज पैकेट स्विचिंग? बैठ जाओ बच्चों, याद करके आया करें घर से, बैठ जाओ। हाउ मेनी ऑफ यू नोज दैट के पैकेट स्विचिंग क्या होती है? रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू नोज व्हाट इज पैकेट स्विचिंग? You want to ask a question? No, I want to say a point. How many of you knows what is packet switching? Please raise your hand so that I can talk further on about it. Mass ko packet switching nahi pata kya hoti hai?
तो भाई तू थोड़ा सा एफर्ट लगा लेना, ये फ्रोजन शोल्डर हुआ हुआ है। पैकेट स्विचिंग क्या होती है बिलाल गनी, जल्दी से बताओ ताकि इनको शर्म आए। पैकेट स्विचिंग क्या होती है? नहीं, थोड़ा गलत हो गया इस बार। पैकेट स्विचिंग कौन एक्सप्लेन करेगा? अली वाजिद, थोड़ा ऊंचा बोलना है, यहां तक आवाज आए। नहीं, आवाज नहीं आ रही। नो एनीवन? जी बच्चे आप बताओ। नो समीर, यार पैकेट स्विचिंग ही होता है। हैदर, आवाज नहीं आ रही। डेटा इज डिवाइडेड इनटू डेटा पैकेट्स, द होल डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स एंड दोस पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द रिसीवर फॉलोइंग डिफरेंट रूट्स। अभी यस यस ना करें, आप पहले बताते हैं। आप कोई लड़कियों में से कोई बताएगा? नॉट यू कशफ। उसको ट्रांसमीटर की तरफ सेंड किया जाता है फॉलोइंग डिफरेंट रूट्स। राउटर डिटरमिन करता है कि किस तरफ इसको आगे सेंड करना है आफ्टर लुकिंग एट द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो कैसे सिक्योरिटी इंक्रीज करता है पैकेट स्विचिंग, ये जवाब, ये सवाल है। हैदर, बच्चे आप बताइए, रेड शर्ट में, यार थोड़ा सा आईटी दिमाग लेके बैठो ना। बच्चे आप बताएं, ग्लासेस वाले। यस, असल बात यह है कि जब वो पैकेट्स में डिवाइड होगा तो वो सेम रास्ता नहीं फॉलो कर रहा, इट इज फॉलोइंग डिफरेंट रूट्स। अगर पैकेट्स मुख्तलिफ रास्तों से जा रहे हैं एंड द हैकर इज सेटिंग ही हैज हैक्ड वन ऑफ द राउटर्स, देन ही विल नॉट गेट ऑल द डेटा। He might get one packet or two packets which will make no sense to the hacker because data is going from different routes. If certain routes are compromised, the rest of the data will be going from different routes. Meri baat understand kar rahe hain? Hence, it will make the data more secure. If some hacker is present on the network, he will not know what the data is transmitted because every time the same whole as a group of data is following different routes. Because the data was divided into many packets. बस हो गया मुकम्मल। अब आते हैं सर अपने चेकसम के चेक डिजिट की तरफ। सिक्सटीन बिट का मैंने बता दिया, और मल्टीपल बिट्स वाली बात को जहन में रखते हुए आप इसको पैरेलल ही कंसीडर करते हैं। अच्छा, हम कर रहे थे चेक डिजिट। चेक डिजिट में हमने किया था ISBN 13, राइट? हमने किया था ISBN 13। सिर्फ डुप्लेक्स लिखा होगा तो वो फुल डुप्लेक्स ही कंसीडर किया जाए। नॉर्मली ऐसे होता नहीं, लेकिन अगर हो तो दोनों डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, वो गलत लिखा हुआ था, वो फुल डुप्लेक्स कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि डुप्लेक्स का मतलब ही दोनों तरफ होता है और वो सेम टाइम पर। खैर, हमने किया था ISBN 13। ISBN में हम रीकैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर एक आपका चेक डिजिट ठीक है या ठीक नहीं है, मतलब एक पूरा कोड। पहला तो हमने हाउ टू कैलकुलेट सीख लिया, हाउ टू कैलकुलेट चेक डिजिट। अभी वो कोड क्या था, कोड बुलाएं, बताएं जरा जल्दी से प्लीज। 97 और ये क्या था, यहां पे क्या डिजिट था? 8382 और फिर उसके बाद 82 और फिर क्या था, 9 हमारा क्या था, चेक डिजिट था। ठीक है, हमने चेक डिजिट निकाला था यहां से, हमने कहा था इवन नंबर ऑफ लोकेशंस और दूसरा
ऑड नंबर ऑफ लोकेशंस को हमने ऐड कर लिया था, और जो इवन नंबर ऑफ लोकेशंस थी उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया था, दोनों के रिजल्ट्स को हमने ऐड कर लिया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, और उसको डिवाइड बाय 10 किया था, तो जो रिमाइंडर आ गया था उसको 10 में से माइनस किया था, रिमाइंडर वॉज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 और हमारा चेक डिजिट आ गया। ये एल्गोरिदम याद होना चाहिए। अब चेक डिजिट आ गया तो कैसे पता चलेगा कि ये चेक डिजिट ठीक है या नहीं? अब सेम प्रोसेस दोबारा अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? सेम प्रोसेस अब दोबारा अप्लाई करेंगे। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं? अब यहाँ पे भी वही नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 13th डिजिट। ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई करो और देखो रिमाइंडर क्या आता है। जल्दी से सेम प्रोसेस अप्लाई करें एंड चेक व्हाट द रिमाइंडर इज। सेम प्रोसेस अप्लाई करें एंड चेक व्हाट द रिमाइंडर इज। क्लास जी बेटा, ये हमने पहले कर लिया ना, अब थे लास्ट क्लास में, तो अब वही प्रोसेस दोबारा अप्लाई करो, सेम प्रोसेस विद 9 को मिला के अब करें तो सही, आपको खुद पता चल जाएगा। जी बेटा, अब इसको जो चेक डिजिट हमने लास्ट क्लास में निकाला था सेम प्रोसेस अप्लाई करें। साथ वाले से देख लें, जो ऑड नंबर की जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके उनका आंसर निकालें, और जो इवन नंबर वाले डिजिट्स हैं उनको ऐड करके उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करें। इसको बंद करो, नकमी। 9 + 8 + 3 + 0 + 8 + 8 + 9 आंसर इज 45। 7 + 0 + 4 + 9 + 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 75। थर्ड स्टेप वॉज 45 + 75 डिवाइडेड बाय 10, 120 डिवाइडेड बाय 10 आंसर इज 12, रिमाइंडर इज 0। यस और नो, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कोई एक भी डिजिट इसमें से खराब हुआ हुआ होता, कोई एक भी डिजिट, तो रिमाइंडर 0 ना आता। Whenever the remainder is zero while checking, इसका मतलब है कि check digit आपका बिल्कुल ठीक तरह से read हो चुका है, यानी ये पूरा code जो सा है ये ठीक तरह से read हो चुका है। पहले वाले केस में क्या आ रहा था, जब यहाँ पर 9 नहीं लिखा हुआ था, there was some remainder। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं? कुछ ना कुछ remainder आ रहा था, तो जो remainder को हमने 10 में से माइनस किया और वो हमारा क्या आ गया, check digit आ गया। क्या आ गया? Check digit आ गया। तो check digit हमने यहाँ पर लिख लिया, बट अब मैं सवाल ही चेंज कर रहा हूं। सवाल क्या है? रीचेकिंग इफ द कोड इज रेड करेक्टली और नॉट, या यूं समझ लें इफ द कोड इज वैलिड और इनवैलिड। तो मुझे बताएं, ये वाला कोड जो रीड किया गया है ये वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है। वैलिडिटी की रीजन ये है कि जब आप सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते हैं 13 के 13 डिजिट्स के साथ, तो आप उसको वही प्रोसेस अप्लाई करते रहें, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0। समझ आ रही है कि नहीं? परफेक्ट डिविजन होगी। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं इफ द रिमाइंडर इज 0, then it means code is valid. Then it means code is valid. Yes, बेटा, ये इसी तरह से एग्जैक्ट नंबर ही गिवन होगा ये। मतलब
ये नंबर जब पहले बनाया जाता है ना, पहले तो डेवलप किया जाता है ना, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, वो तरीका मैंने आपको सिखाया है कि बनता कैसे है। ये हमने पहले बना लिया, अब ये हमारी जो उनसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड के साथ ना उसने लिख दिया होता है, जैसे मार्कर का भी एक कोड है, इस पर लिखा हुआ है 06952405012519, कोड लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये कोड जनरेट हो गया, अब मशीन जब इसको स्कैन करेगी ना, वो कोड नहीं पढ़ रही होती, वो इन कोड के अगेंस्ट बार्स अलॉट की गई होती हैं इसको, हर एक डिजिट की बार जो सी ना ब्लैक कलर जो सा उसको दिया जाता है, उसकी विड्थ कम या ज़्यादा होती है। हमारी आंख को सिर्फ ये पता लग सकता है कि कुछ मोटी बार्स हैं और कुछ क्या हैं, पतली बार्स हैं, लेकिन जो स्कैनर होता है वो एग्जैक्ट 1% भी उसमें एरर नहीं करता रीड करते हुए। लेकिन अगर वो रीड करते हुए कोई एरर डिटेक्ट कर ले, तो वो बीप का साउंड प्रोड्यूस करता है या कोई एरर जनरेट कर देता है कि हाँ इसमें कोई ना कोई मसला आ गया है। समझ आ रही मेरी बात की कि नहीं? अब वो रीडिंग के दौरान मसला क्या हो सकता है, कोई बार जोन सी थी वो गलत रीड कर ली उसने, तो वो 8 के बजाय हो सकता है 7 हो जाए। सो यहाँ पे परफेक्ट डिवीजन फिर नहीं होगी उसकी, क्योंकि कोड का जो ये सम है ये 45 नहीं आएगा, ये 45 नहीं आएगा तो यहाँ पे ये 120 नहीं बनेगा, जब ये 120 नहीं बनेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन भी डिफरेंट आएगा, रिमाइंडर भी डिफरेंट आएगा। तो जब रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ आ गया तो मतलब क्या है, इफ़ द रिमाइंडर जीरो देन द कोड इज वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड, अदरवाइज इन वैलिड, फिलहाल तो वैलिड है। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में।